अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अयूब पार्क स्कूल में, जिसका आगाज 37 बरस पहले एक बच्चे से शुरू हुआ और आज यहाँ पर मौजूद बच्चों की तादाद का अंदाजा आप मेरे आसपास मौजूद बच्चों से लगा सकते हैं। नाजरीन, अब तक यहाँ से हजारों की तादाद में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करके जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से गए बच्चों के बच्चे जो हैं वो आज मुख्तलिफ जगहों पर बहुत अच्छी सर्विसेज भी कर रहे हैं। इस स्कूल की मजीद कहानी हम जानेंगे यहाँ के फाउंडर यानी यहाँ के स्कूल के बानी मास्टर अयूब साहब से भी, और हम यहाँ पे मौजूद बच्चों से भी पूछेंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो आपको सलाम है कि आपने अपनी मदद आपके तहत इस स्कूल का आगाज किया, और जैसे कि मैंने आपने मुझे बताया और मैंने ये जिक्र भी किया है कि 37 साल से ये सफ़र आपने जो है वो शुरू किया हुआ है एक इल्म की शमा जलाए रखने का। तो सर बताइएगा, कैसे ख्याल आया? देखिए, मैं एक फायर फाइटर था, जब मैं इस्लामाबाद में आया था तो मैं जब जाता था किसी भी ब्लास्ट पर, किसी भी आग पर या भी किसी भी हादसे पे जाता था तो लोग जख्मी, कोई वहाँ पर किसी का कुछ नुकसान, किसी का कुछ को फौत हो गया, को रोने की आवाज़, को चीखने की आवाज़, तो मेरा दिल चाहता था कि इन लोगों की मदद करूँ, लेकिन रोज़ मदद करूँ। लेकिन आपको पता है हादसा तो रोज़ नहीं होते, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं ऐसा काम करूँ कि रोज़ाना लोगों के काम हो। तो इस्लामाबाद VIP शहर है, यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों में बच्चे जो है मार्केटों में फिर रहे हैं, उनके ऊपर अजियत है, वो काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मांग रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई आवारा फिर रहे हैं। बस इस चीज़ पर ही मैंने अपना सर्वे की, बच्चों से मिला, देखा किसी का माँ नहीं है, किसी की बाप, कोई बाप नहीं है, किसी का कोई गरीब है, कोई मजदूरी कर रहा है। तो वहाँ से एक बच्चा जो वैगन धो रहा था तो उसको मैंने लिया। उसने कहा जी मेरे माँ बाप नहीं है और मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, अगर मैं मजदूरी नहीं करूँगा तो उनको कौन खिलाएगा? तो मैंने कहा भाई ये पढ़ नहीं सकते? उन्होंने कहा जी अगर पढ़ूंगा तो मुझे किताबें कापियाँ कौन देगा? मैंने वादा किया उसके साथ कि मैं तुम्हें कापियाँ भी दूंगा, पेंसिलें भी दूंगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैंने उसी ज़मीन पर, वहीं पर जहाँ वो रोज़ाना गाड़ियाँ धोता था, 1 घंटा रोज़ाना पढ़ाता था मैं, और पढ़ाना शुरू कर दिया कापी पेंसिलें लेकर। तो उसको मैंने मैट्रिक करवा दी। इसी तरह एक और बच्चा जो बेचारा मजदूरी करता था उसको लिया। नहीं, ये स्टार्ट कहाँ पे किया? आपने घर पे किया या कोई यही इसी जगह पे आपने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया था सुपरमार्केट के एक पार्क में, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है उसके आगे जगह बची हुई, वहाँ से शुरू किया था। 50 बच्चे वहाँ हो गए थे, फिर मेरे पास और बच्चे आने शुरू हो गए, मेरी सर्वे होती थी किसी गली मोहल्ले के अंदर, जहाँ कहीं भी बच्चा को मिलता था वहाँ से मुझे लोगों ने उठा दिया था। तो मैं यहाँ पर दरमियान में एक पार्क है वहाँ आ गया, वहाँ CDA के चेयरमैन साहब थे, वहाँ से भी मुझे उठा दिया गया। लेकिन मैं यहाँ करीब आया तो मुझे पता लगा ये बस्ती के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आवारा फिर रहे हैं, मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। और ये मैंने पार्क बहुत गंदा था, मैंने साफ़ किया, वो जो डिब्बा है वो गंद का वो यहाँ रखा होता था, यहाँ से उठवाया, उस वक्त के बच्चों ने सारा ग्राउंड साफ़ किया और बच्चे पढ़ना शुरू हो गए, बच्चों की तादाद बढ़ती गई। मेरे पास सैदपुर से बच्चे आ रहे हैं, इस कॉलोनी से बच्चे आ रहे हैं, ये जितना भी सेक्टर है इसमें जितनी भी कोठियाँ हैं, इनके सर्वेंट, नैब कास्तों के बच्चे, चौकीदारों के बच्चे, खनसानों के बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे, LDC UDC वाले, गरीब तबके का मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो फ्री कास्ट इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ।